विराम बाद फरी एक वक्त बुलेटिन में आपनो स्वागत छे। खास करी अने कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण चुकादो आपवामां आव्यो छे। खास करी अने कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा हिजाब मुद्दे महत्वपूर्ण चुकादो आपवामां आव्यो छे। आपने जणावी दईए कि हिजाब धर्मनो अनिवार्य भाग नथी तेवुं अहींया कर्नाटक हाईकोर्टे कह्युं छे। त्यारे कर्नाटक हाईकोर्टे हिजाब विवादने लई अने अरजी फगावी दीधी छे। विद्यार्थिनीओए जे अरजी करी हती ते अहींया कर्नाटक हाईकोर्टे फगावी दीधी छे। खास करी अने તેને લઈ અને અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ પણ સામે આવી રહી છે અને એક જે સમાચાર મળી રહ્યા છે તે પ્રમાણે ખાસ કરી અને કર્ણાટક હાઈકોર્ટનો આ જે ફેસલો છે તેને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ પડકારવામાં આવશે। આ જ મુદ્દે આપણે હાલ ચર્ચા કરીશું અને આ ચર્ચા માટે અત્યારે હાલ વરિષ્ઠ પત્રકાર સહેલ કુરેશી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। સહેલજી સ્વાગત છે નિર્માણ ન્યૂઝમાં આપનું। જી બહુ બહુ શુક્રિયા સેલજી। ખાસ કરી અને કર્ણાટક હાઈકોર્ટે જે ચુકાદો આપ્યો છે તેને આપ કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો? देखिए दोनों कोर्ट का फैसला हमेशा माना जाना चाहिए और माना जाता है और कानून ने और संविधान ने ये अच्छा एक रास्ता यहाँ पर दिया है हर किसी के लिए कि जब भी ऐसा कोई फैसला होता है तो आप उसको ऊपरी कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी बात है कि जो ये फैसला आया है कर्नाटक हाईकोर्ट का, बिल्कुल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से जरूर यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ इस्लाम का यहाँ पर जो कोर्ट ने जो फैसला दिया कि इस्लाम का अंग नहीं है ये, लेकिन ऐसी कई चीजें ऐसी कई प्रैक्टिस होती है जहाँ आप मानव अधिकारों की बात करते हैं, मानव अधिकारों के हनन की बात करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी में से आता है। तो सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जरूर इसमें इंसाफ मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पर फैसला अपना अच्छा सुनाएगी। સહેલ જી, અહીંયા કર્ણાટક હાઈકોર્ટે જે કહ્યું છે કે હિજાબ ધર્મનો ભાગ નથી, એટલે તમામ જે કહી શકાય કે પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખી અને તમામ અવલોકનોને ધ્યાનમાં રાખી અને કર્ણાટક હાઈકોર્ટ દ્વારા ફેસલો આપવામાં આવ્યો છે, ત્યારે કદાચ અવલોકનો એ સુપ્રીમ કોર્ટ પણ ધ્યાને લેશે, ત્યારે ખાસ કેટલી ઉમેદ આપ રાખી રહ્યા છો? देखिए सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है हमें और हम दूसरी बात कि हम उन लोगों में से नहीं है कि देश के गृह मंत्री जो है वो दोहरा चरित्र उनका अक्सर नजर आता है। एक तरफ वो कहते हैं कि कोर्ट का फैसला ही सर्वोपरि होता है कोर्ट के फैसले में, या एक तरफ वो ये कहते हैं कि कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देना चाहिए, कोर्ट का फैसला सब कुछ होता है, और दूसरी तरफ वही गृह मंत्री जल्लिकट्टू के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं इस मामले में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए, कोर्ट का फैसला हम नहीं मानते हैं। तो ये तो उन लोगों से सवाल किया जाना चाहिए कि कोर्ट के फैसले को वो कैसा देखते हैं। मैंने जैसा कहा कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ भी ये मामला है भाई। कोई लड़की अगर जो भी पहन के जाना चाहती है ये उसका पर्सनल मामला है, उसके अंदर कोई कैसे दखल दे सकता है? तो इसीलिए मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर जरूर गौर करेगी, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर कर्नाटक की नहीं पूरे देश की बच्चियों की भावनाओं को समझेगी और उनके उनके हक में जरूर फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट। જે બિલકુલ સોનલબેન આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે કે જેઓ પોતે વરિષ્ઠ એડવોકેટ છે, સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ છે। સોનલબેન, કર્ણાટક હાઈકોર્ટના નિર્ણયને એક તો આપ કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો અને સાથે સહેલ કુરેશી આપણી સાથે જોડાયા છે, તેઓએ કહ્યું કે ભલે કર્ણાટક હાઈકોર્ટનું આ ડિસિઝન છે પરંતુ અમે સુપ્રીમ કોર્ટ પાસેથી ઘણી આશા રાખી રહ્યા છીએ, આપ આ નિર્ણયને કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો? ધ્વનિ, પહેલી વાત તો એ છે કે હું જે નામદાર હાઈકોર્ટનો જે ચુકાદો છે એને સ્વીકારું છું। બીજી વાત એ છે કે જ્યારે ને ત્યારે ખોટી રીતે અનનેસેસરી રીતે કલ્ચરલ આઈડેન્ટિફિકેશનના નામે અથવા તો કોન્સ્ટિટ્યુશનના 19 જે રીતે અરજી કરવામાં આવી હતી, દરેક વ્યક્તિઓ જો આવી રીતે કરશે તો પછી કોઈ મતલબ નથી રહેતો, કારણ કે દરેક વ્યક્તિને ના પાડી છે, હિજાબની સાથે સાથે ભગવો ખેસ ધારણ કરીને જવાની પણ ના પાડી છે। એટલે હું આવકારું છું અને આ પ્રમાણે જોવું જોઈએ, દરેક લોકો પોતાના આઈડેન્ટિફિકેશનની અગર રિવીલ કરીને ચાલવાની વાત કરશે કે મને આ ફાવે છે મને આ ફાવે છે, તો આ તો ભારત દેશ છે જે રંગબેરંગી લોકોથી ભરેલો છે, એટલા લોકો અહીંયા આગળ રહે છે। હું જૈન શાસ્ત્ર ની વાત કરી તો જૈનમાં દિગંબર લોકો હોય છે, એ એવું કહે છે કે મારે નગ્ન થઈને જવું છે, તો શું એ નગ્ન થઈને જશે? એ એનો ધર્મ છે, ત્યાગનો ત્યાગ કરવો એ જૈનોમાં માનવામાં આવ્યું છે, મેઇન ધર્મ છે, તો એ પ્રમાણે ન ચાલી શકે। જે પ્રમાણે જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય એ પ્રમાણે એના કાયદા ફોલો કરવા પડે। હું વકીલ છું તો મારે બ્લેક કોટ પહેરીને જ જવાય, હું એમ ના કહી શકું કે ભાઈ હું ઓરેન્જ કોટ પહેરીને કોર્ટમાં જઈશ। અત્યારે નામદાર હાઈકોર્ટમાં કે લોઅર કોર્ટની અંદર બ્લેક કોર્ટ એક એવો કોર્ટ કહેવામાં આવ્યો છે કે જે લોકોએ યુનિફોર્મના દોર પર અપનાવ્યો છે, પછી હું એને એમ ના કહી શકું કે ભાઈ મારા ધર્મ મને રિલીજીયસ ફ્રીડમ આપો અને મને ઓરેન્જ ને ગ્રીન ને લાલ ને પીળો પહેરવો છે, ન થઈ શકે। ડોક્ટર છે તો એ વ્હાઈટ પહેરે છે,
मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा सोनल बेन, सोनल बेन मात्रे सिर्फ मुझे इतना बता सकती हैं आप, सोनल बेन क्या आप सिर्फ इतना बता सकती हैं कि आपको हिजाब से क्या परेशानी है, आप बता सकती हैं मुझे? मुझे कोई परेशानी पर्सनली तौर पे नहीं तो है, फिर क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो देखिए, मुझे परेशानी इस तरह से, मैं पर्सनल तौर पे अगर आप पहनिए ना, मैं भी अगर मैं शादीशुदा हूँ, मैं अगर मांग में टीका बन के मंगलसूत्र पहन के साड़ी पहन के अगर मैं जाती हूँ तो मैं कोर्ट में नहीं जाती, कोर्ट के रूल्स मेरे को फॉलो करने पड़ेंगे कि मुझे वहाँ पे कोट पहनना है, मुझे वो टाई पहननी है। अरे कोर्ट में चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, 1000 महिला एडवोकेट आपको मैं दिखाता हूँ, मंगलसूत्र में टीका लगा हुआ, बिंदी लगी हुई, मैं दिखाता हूँ, चलिए आप। हिजाब पे क्या बात कर रही हैं आप? अरे तो क्या बिंदी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, क्या सिंदूर आइडेंटिफिकेशन नहीं है हिंदुत्व का, क्या बात करती हैं आप? मैं यही जानना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपको हिजाब से परेशानी क्या, सिर्फ इतना बता दीजिए। आप कह रही है कि आप मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है इस फैसले से, आप स्वागत कर रही हैं उस फैसले का। आप यही करते हैं जब भी होता है। अरे अरे मैं तो सीधे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, सबसे प्रॉब्लम है, मैं तो आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ। अरे तो आपको क्या प्रॉब्लम, देखिए ना वो तो नजर आ रहा है कि इसको किससे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है हिजाब से भी प्रॉब्लम है। अरे क्यों प्रॉब्लम है हिजाब से, मैं वो पूछ रहा हूँ। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, जहाँ पे जो यूनिफॉर्म होगा वही पहना जाएगा। अगर हम लोग तो आप खुद डिबेट में बिंदी लगा कर बैठी हो, बिंदी लगाए बिना आ जाती है आप डिबेट में, आप इतना ज्यादा मानती हैं इस बातों को। प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप भगवा साड़ी पहनकर बैठी है, आप बिंदी लगा कर बैठी है, आप सिंदूर लगा कर बैठी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने उस बच्ची को सुना था, मुस्कान ने कहा था कि आपको भगवा खेस धारण, सुनिए उस बच्ची ने साफ कहा, उस बच्ची ने साफ कहा कि आपको भगवा खेस धारण करके आना है, आइए मुझे मेरे हिजाब से, मुझे आपसे प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए सोनल बेन आप भी अच्छी पढ़ी लिखी है, बहुत कुछ जानती है, आपको पता होगा कि जब भगवान राम जब आए थे वनवास से तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा था कि जाओ लक्ष्मण जाकर सीता मैया के गले में ये माला पहना कर आ जाओ। लक्ष्मण जी वहां पर जाते हैं और लक्ष्मण जी वापस आ जाते हैं, उनसे पूछा जाता है आपने माला क्यों नहीं पहनाई सीता जी को, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने सीता जी को हमेशा उनके चरणों से पहचाना था, लेकिन अभी जितनी भी महिलाएं वहां खड़ी है उन सबके कदम जो है, पांव जो है वो वहां पर घास में छुपे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर्दा, जो पर्दे की जो प्रथा है, हिजाब की जो प्रथा है, वो तो सीता मैया से शुरू होती है, आप लोग उसी का विरोध करते हैं। ये ढकोसलापन है हिंदुत्व का, क्या आप असली हिंदुत्व को आप जानते ही नहीं कि असली हिंदुत्व क्या है? सहल जी, पर्दे की प्रथा कहां से? बात सहल जी आप यहाँ, सहल जी आप यहाँ राम लक्ष्मण की बात करी रहा छो, परंतु सौथी पहला ये कहशो कि शू हिजाब ए इस्लाम धर्म नो अनिवार्य भाग छे, हाईकोर्टे अहियाँ जे अवलोकन ध्याने लीधू छे, तो त्यारे अहियाँ मैं आपनी पासेथी पण जाणवा मांगी छू के हिजाब ए इस्लाम धर्म नो अनिवार्य भाग छे अने अवारनवार आने लई अने जे एक फोर्स करवामां आवे छे ए बाबत माटे आपनुं शू कहेवू छे, शा माटे आ प्रकारनी वृत्ति? देखिए मैंने यही कहा ना कि किसी को अगर नंगा घूमना है तो उसको ये संविधान अधिकार देता है वो नंगा घूमे, किस बच्ची को क्या पहनना क्या नहीं पहनना, सोनल बेन को साड़ी पहननी है सूट पहनना है, कभी उनको कोर्ट नहीं कहेगी कि भाई आप सूट पहन कर ही आओ, आप साड़ी पहन कर ही आओ, है ना, जो उनको ऊपर काला कोट पहनना है ना, वहां पर है ना ये। तो इस्लाम के अंदर भी जो भी बच्ची अगर मैं वही बता रहा हूँ, देखिए इस्लाम में कोई भी चीज नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, इस्लाम में कोई भी चीज जबरदस्ती कभी नहीं थोपी गई है। इस्लाम में ये कहा गया है कि आप करना चाहें तो आप करें, इस्लाम में ये नहीं कहा गया कि आप बिल्कुल पर्दा न करें, ये भी तो नहीं कहा ना इस्लाम में, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो भाई जो बच्ची करना चाह रही है वो कर रही है, इसमें कौन सी परेशानी है? सब बच्चों को पर ये थोपा कारण है कि आप बुर्का पहनना है, आपको हिजाब पहनना है। सहल जी, जे जगह आपणे शिक्षण मेळवा माटे जाईए छे, जे जगह आपणे शिक्षण ग्रहण करता होईए छे, त्यां धर्मना रंगो साथे अथवा तो धर्मनी वातो साथे आ प्रकारनी કટ્ટરતા સાથે જવું એ કેટલું યોગ્ય ગણી શકાય? પછી હિજાબ હોય કે પછી અહીંયા કેસરી દુપટ્ટો કેમ ના હોય, બંને માટે નિયમો સરખા જ હોવા જોઈએ। બહોત અચ્છા સવાલ આપને કિયા ધ્વની, હમ વહા શિક્ષા કે લે જાતે, હમ કટ્ટરતા કે લે નહીં જાતે। क्यों वहां पर सरस्वती वंदना कराया जाता है, क्यों वहां टीचर्स को कहा जाता है आपको साड़ी पहनकर ही आना है, क्यों भाई? ये भी तो होना चाहिए, इस पर ही बहस होनी चाहिए। किसी क्लासरूम के अंदर कोई पंडित बच्चा अगर चोटी रख के आ रहा है तो स्कूल को कहना चाहिए भैया बाल कटवा कराओ, हमें बाल पसंद नहीं है, ना ये यूनिफॉर्म में आता है कि बाल वाल कटे हो व्यवस्थित तरीके से बच्चा आए। वहां जो लड़कियां आती है उनको कहा जाना चाहिए। और दूसरा, जब आप बात करते थे स्कूलों के अंदर, ये होली सम्मेलन दिवाली समा भी बंद कर दिए जाने चाहिए फिर, है ना?
तो कहना चाहती हैं जितने जितने यही कहना चाहती ना हर जगह पे आपको जगह अरे आप यही कहना चाहती है कहीं पे जगह दे दी गई है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने सोनल बेन, बहुत अच्छी बात कही। गुजरात के अस्पतालों के अंदर दरवाजे में घुसकर बड़े बड़े मंदिर बड़े बड़े मूर्ति क्यों रखी जाती है? गुजरात के सरकार हर जगह पे गुजरात के सरकारी अस्पतालों के अंदर गुजरात के सरकारी अस्पतालों के अंदर जब आप गेट में घुसते हैं तो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखी होती है भगवानों की, क्या जरूरत? वहां कुरान भी रखी है ना आप, फिर क्यों नहीं रखते हैं आप? ये ढोबला रवैया आप लोग बंद करिए। सहल जी, जबरदस्ती होली नो त्यौहार मनावाई से, दिवाली नो त्यौहार मनावाई से, तो इतनी शुभकामनाओं पर इतनी शुभकामनाओं पाठवामा पण बाळकोने शिखवाडवामा आवे छे, ए तमाम बाबतो आप केम भूली रहा छो कि जो स्कूलें होली का त्योहार मनाती है स्कूलों के अंदर, क्या दिवाली का त्योहार मनाती है? वो नहीं मनाएंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, बनाइए ना हिंदू राष्ट्र। हम तो चाहते हैं आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। त्योहार मनावाइए, दिवाली नो त्योहार मनावाइए। आप पहले इस बात को समझिए कि हिंदुत्व है क्या, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात करिए आप लोग। पहले आप लोग हिंदुत्व को समझिए, उसके बाद बात करिए। माइनोरिटी हो मेजोरिटी हो दरेक व्यक्ति ना त्योहारों ने समावेश करवामां आवे छे, जे रજાઓનું કેલેન્ડર સ્કૂલમાં આપવામાં આવે છે, દરેક તહેવારો ખ્રિસ્તી હોય પારસી હોય અગિયારી હોય દરેક લોકોને સમાવવામાં આવે છે। કન્ટ્રીમાં રહેવું અને કન્ટ્રીની મુજબ પોતાની દાદાગીરી કરવી, પોતાના કાયદાઓ ચલાવવા, પોતાને પેરેલલ લો ચલાવવા, એ યોગ્ય નથી। જય શ્રી રામ બોલ કર કિસી ગરીબ કો માર દો, ગરીબ કો પકડ કર બોલો જય શ્રી રામ બોલ વાના માર ડાલેંગે, દાદાગીરી કોણ કર રહા નજર આ રહા। એરપોર્ટમાં પણ જોની જગ્યા ફાળવવામાં આવી છે, કોઈ જગ્યા ઉપર ક્યારે લાઉડ સ્પીકરો આપવામાં આવે છે, જેનાથી ધ્વનિ પ્રદૂષણ થાય છે। યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ જોઈએ છે, દરેક કાયદો દરેક વ્યક્તિઓ માટે સરખો છે, બધા ભારતીય છે, કોઈ પર્ટિક્યુલર આઈડેન્ટિફિકેશન સાથે કોઈ પણ સંવિધાન કો નહીં માનતી હૈ। सोनल बेन आप साफ बोलिए कि मैं ऐसी वकील हूं कि मैं संविधान को नहीं मानती हूं, आप ये बोलिए ना। क्यों आप संविधान यहाँ पर इजाजत देता है? अरे मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हूं, नामदार कोर्ट ने जो मानती होती तो आप विरोध नहीं करती। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अरे आप नहीं मानती इसलिए आप विरोध कर रही हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन को मानती तो आपको इजाजत से कोई परेशानी नहीं होती। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मान रही होती कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग नहीं मानते, हम नहीं चल बैठते हैं। हर जगह पे रोड पे बैठ जाना, हिजाब की बातें लेके पॉलिटिकल ड्रिवन करना, जिस तरह से चलाते हैं वो आप लोग करते हैं। हिंदुत्व मैं आप सुनिए, जब साधु संतों ने जब साधु संतों ने स्टेज पर कहा था मुल्ले काटे जाएंगे, तब कहाँ थी आप? तब आपने कुछ नहीं कहा, बोला था वो भी गलत है। अरे छोड़िए आप, दादागिरी कौन कर रहा है? सबके सब लोग बाहर घूम रहे हैं वो लोग। अगर ये किसी मुसलमान ने अगर ये नारा दे देता तो अभी तक यूएपीए में घुसेड़ दिया था उसको जेल के अंदर आप लोगों ने। कोई मुसलमान ने अगर ऐसा नारा दिया होता तो यूएपीए में उसको जेल में घुसेड़ दिया होता। मैं मानती ही नहीं हूँ, दोगले पड़े में नहीं मानती हूँ। अरे बिल्कुल नहीं करते हो आप, एक पार्टी का दामन जब थाम लेते हो तो आप डोगले बने पे उतर जाते हो। किसने दामन? पार्टी सब डोगला बना कर रही है। हमने देखा कश्मीर फाइल को लेकर आप लोग डोगला बना कर रहे हो, क्या थर्ड क्लास घटिया किस्म की फिल्म बनाई है उसने, उस फिल्म की जो कारकर्दगी कर, अरे बिल्कुल लोग कह रहे हैं उस फिल्म का जिस पर वो फिल्म बनी है वो कह रहे हैं इसमें गलत दिखाया गया मेरे पति के बारे में। एक सेकेंड, आज अपने बात हिजाब विवाद नहीं करवानी छे, ए मुद्दा पर आपने बात करिए। सहल जी, शू अपनी पास मुद्दा नहीं रहा? शिक्षण की गुणवत्ता ने लईने अहीं सवाल उठवा जोईए, शाळा ने लईने सवाल उठवा जोईए, परंतु आ केवी मानसिकता छे के अहीं हिजाब ने लईने सवाल उभा थई रह्या छे अने एक पक्ष छे के जे सतत हिजाब माटे आग्रह करी रह्यो छे। देखिए गलत किया है भाई, हिजाब पहना है तो पहनी ना, आपको भगवा पहनना है भगवा पहने, जिसको हिजाब पहनना हिजाब पहनने दीजिए, परेशानी कहाँ आई, क्या परेशानी है आपको? जहाँ पे गुरुकुल पद्धति है, जहाँ पे धोती पहनाते हैं, यहाँ पे गुरुकुल पद्धति में लोग जाते हैं, वहाँ पे चार बजे उठा के ठंडे पानी से नहलाते हैं। तो जिनको हिजाब से परेशानी हो गुरुकुल चला जाए, फिर आप हिजाब से परेशानी हो गुरुकुल चला जाए, जिसको हिजाब से परेशानी है गुरुकुल चला जाए, दादागिरी नहीं चलेगी, हिजाब से परेशानी है गुरुकुल चला जाए, आपकी दादागिरी से परेशानी है गुरुकुल चला जाए। पहले तो ये सुनिए, जहाँ पे भी माइनोरिटीज हो कोई भी को जो थोड़ा सा भी मौका दिया गया वो उन लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ के वहाँ पे अपना हक स्थापित करने की कोशिश की है। वो हर जगह पे वर्ल्ड साल में मोदी को 5 साल में पता चल गया किसी हिंदू समाज को मौका दिया तो उसने बता दिया कि वो देश चलाना नहीं जानता है, ये हिंदू सम्राट ने बता दिया।
माइनोरिटी को मौका दिया तो अबुल कलाम भी बने, माइनोरिटी को मौका दिया तो माइनोरिटी ने बहुत कुछ करके दिखाया। जी ओके ओके, एक सेकंड सहल भाई, आपने सोनल बेन ने पण सांभळी लिया, आपणी पासे समयनो अभाव छे। सोनल बेन, लास्टमां आपणी पासेथी ए जाणवा मांगीश के सुप्रीम कोर्टमां कर्नाटक हाईकोर्टना आ निर्णयने पडकारवामां आव्यो छे, हवे आगळनी शक्यताओ आप शुं जोई रह्या छो? પહેલા પણ ધોની આવી રીતે જયારે ગયા હતા ત્યારે કીધું હતું કે આવી રીતે પોલિટિકલ મુદ્દો બનાવીને એટલું મોટું ના વાત કરી શકાય. આપણે જયારે ધોની વાત કરી રહ્યા છીએ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડની, આપણે એવી આઈડેન્ટિફિકેશન ઈચ્છતા જ નથી કે કોઈ વ્યક્તિ હિન્દુ છે, મુસ્લિમ છે, એના લીધે ડિવાઈડ થાય કે શીખ છે. દરેક વ્યક્તિને સરખી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દરેક વ્યક્તિને કોઈ પણ ધર્મના લીધે કે એના લીધે કોઈ પણ ધર્મના લીધે એને ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે એવું ન થાય, આ દરેક વસ્તુનું ધ્યાન રાખીને. બીજું કે અગર મારે મારા છોકરાને, હું પોતે હું માનું કે મારે એને ધર્મનું જ્ઞાન આપવું છે, પર્ટિક્યુલર ગુરુકુલો છે તો મારે ત્યાં મૂકવો જોઈએ જ્યાં ધોતી ને કુર્તો ચાલે છે. અગર મારો છોકરો અત્યારે બીજી સ્કૂલમાં ભણે છે, અગર મારે જ્યાં ભણાવો છે ત્યાં ભણે છે, તો એ સ્કૂલના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન મારે ફોલો કરવા પડશે. મારો છોકરો રોજ અગર એવું કહે કે હું કાલથી, મારો છોકરો ક્રિશ્ચિયન સ્કૂલમાં ભણે છે તો મને એ સ્કૂલની અંદર અગર એ ભણવા જાય છે તો ત્યાંના જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન હશે એને ફોલો કરવા પડશે, એની જે પ્રાર્થના છે એને સંભાળવી પડશે. હું એવું ન કહી શકું ત્યાં જઈને દાદાગીરી ન થઈ શકે મારાથી. ત્યાં સૌથી વધારે લોકો જે ભણવા આવે છે બાળકો એ હિન્દુઓના બાળકો છે, છતાં પણ ત્યાંના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે એ લોકોને માનવા પડે. જે લોકોએ મારે મારા છોકરાને ત્યાં ભણાવવો છે તો મારે એ પ્રમાણે ફોલો કરવું પડે, મને પોસાય છે એટલે મેં મૂક્યો છે. અગર મારે એફડી સ્કૂલમાં મારી છોકરી ભણાવી છે તો એફડી સ્કૂલમાં હિજાબનું કમ્પલ્શન છે અને હું એફડી સ્કૂલમાં હિજાબ સાથે મારી દીકરી મોકલીશ, કારણ કે જો જે પ્રમાણેની જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટની જે જવાબદારી છે મને પોસાય તો હું ત્યાં ભણું, ના ફાવે તો હું બીજી જગ્યાએ જઈ શકું છું. આ બહુ ક્લિયર છે અને હું રિસ્પેક્ટ કરું છું કે જે સ્કૂલો આવી ચાલે છે. સૌથી વધારે ઇન્ટેલિજન્ટ સ્કૂલો એફડી સ્કૂલની છે, જે લોકો ફોરેનની ગ્રાન્ટ બી પ્રાપ્ત કરે છે, જે હિજાબ પહેરે છે, જે લોકો ઘણી બધી સ્કૂલો છે. પણ હું જબરજસ્તીથી હું એવું ન કહી શકું કે મારે ગુરુકુલમાં છોકરો ભણાવો છે અને હું હિજાબ પહેરીને આવીશ અને ત્યાં આગળ જાહેરમાં નમાઝ પડીશ. આ અસંવેદના જેવી વાત થઈ, અનનેસેસરી કોન્ટ્રાવર્સી ક્રિએટ કરવાની વાત થઈ. ભારતીય બંધારણની અંદર દરેક લોકોને પોતાનું ફ્રીડમ આપ્યું છે, પણ ફ્રીડમ ક્યાં જ કરવું એ મહત્વનું. જો હું શમશાનમાં લગ્ન કરવાની વાત કરું, આપણી પાસે સમયનો અભાવ છે, પરંતુ ખાસ કરીને હિજાબ વિવાદને લઈ અને કર્ણાટક હાઈકોર્ટે અહીંયા ચુકાદો આપ્યો છે તેની પર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. બંને જે મહેમાનો મારી સાથે જોડાયા તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો દર્શક મિત્રો, બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.